नमस्कार दोस्तों, जानवर सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मोहित। आज हम जानेंगे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे गवा रहे हैं या पैसे लूज कर रहे हैं तो कैसे उसको रोका जाए और कैसे प्रॉफिट में आया जाए, तो इस पे आज पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए। मैं अपने एक्टिव ट्रेड्स या जो भी मैं पोजीशन लेता हूँ, जो भी मैं शेयर्स खरीदता हूँ, मैं उस पर शेयर करता हूँ लोगों को, उनकी क्वेरीज सुनता हूँ और उस पर सजेशन देता हूँ, तो ज़रूर इन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ भी मैंने डाल रखे हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस और इंट्राडे स्ट्रेटजीज़ पे, मल्टीबैगर स्टॉक्स पे, आप उन सबको पूरा देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और इसमें मैंने पूरा इंट्राडे पे एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया, सारे वीडियो को देखिए, उसमें कई स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप पैसे गंवाना बंद करें शेयर मार्केट में। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो होता है मनी मैनेजमेंट इंट्राडे में। तो मनी मैनेजमेंट अगर आप करते हैं इंट्राडे में तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है प्रॉफिटेबल रहने में। याद रखिए दोस्तों, एक ख़राब जो ट्रेड होता है जिसमें आप स्टॉप लॉस अपना नहीं लगाए होते हैं, वो आपके आधे कैपिटल तक को वाइप कर सकता है और आपको मार्केट से बाहर फेंक सकता है एक दिन में। तो दोस्तों इतना ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस, और एक बैड ट्रेड आपको बिल्कुल गड़बड़ कर सकता है, आपकी पूरी ट्रेडिंग, पूरा एस्पिरेशन जो है उसको ख़त्म कर सकता है। तो अपने मनी को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा खेल ही है डिसिप्लिन और मनी मैनेज का। तो आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कि क्या है। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में घुस रहे हैं और उसको कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं कि आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बने, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। आप स्मॉल प्रॉफिट ही बनाएं लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाएं, डेली बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लूजिंग वन टाइम बिग और मेकिंग वन बिग प्रॉफिट। तो दोस्तों छोटा भी प्रॉफिट हो, चाहे आप 500 रुपये प्रॉफिट बनाए, लेकिन वो रेगुलरली बनाना चाहिए। तो ये तो मेन चीज़ होता है मनी मैनेजमेंट का। इसको और कैसे हम देखते हैं मनी मैनेजमेंट एग्जांपल के थ्रू कैसे कर सकते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है, इसको चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 50,000 रुपये है। अब 50,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको मान रहा हूँ कि आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इसको हो सकता है लेवरेज में कर रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 50,000 है और आप इस पर लेवरेज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला, अगर आपको बंद करना है ट्रेड इंट्राडे में लूज़ करना है पैसा, तो सबसे पहले एक डेली लिमिट बनाइए। दोस्तों दो चीज़ें हैं इस पूरे इंट्राडे में कैसे आप सक्सेसफुल, उसमें दो चीज़ें हैं। पहला है कि अपने आप मनी और प्रॉफिट्स को कैसे मैनेज करें, और दूसरा है कि आप अपने ट्रेड को किस स्ट्रैटेजीज पे ले रहे हैं, अपने जो प्लान ऑफ एक्शन है, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कैसा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट की और अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है, आप उस पर एक डेली की लिमिट डालिए कि भाई एम जो मेरा हो वो 500 रुपये पर डे गवाऊंगा या 500 रुपये पर डे कमाऊंगा, उससे ज़्यादा ना गवा सकता हूँ। कमाना होगा तो कमा लेंगे, लेकिन गवाएंगे तो नहीं ही उससे ज़्यादा। ये आपका थंब रूल होना चाहिए। अगर आप 50,000 रुपये डाले हैं तो समझ लीजिए उसका आप 1% जो आपका है वो आपका डेली ट्रेडिंग लॉस कैपिटल होना चाहिए, उससे ऊपर आप कभी नहीं गवाएंगे। ये गांठ बांध करके रख लीजिए अगर आपको सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल रहना है। ठीक है, तो जैसे 50,000 आपने लिया तो 500 रुपये पर डे आपका मैक्स लिमिट है जितना आप लूज़ कर सकते हैं, और प्रॉफिट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे ही वो बढ़ता जाएगा अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाएंगे और प्रॉफिट को इन्जॉय करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको उस दिन सक्सेस नहीं हो रहा है शेयर मार्केट में, तो आप एग्जिट, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 500 रुपये आपका लॉस हो गया, तो आप तुरंत एग्जिट कर जाइए मार्केट में। दोस्तों एक जनरल टेंडेंसी होती है कि पहला जब हमारा ट्रेड ख़राब हो जाता है तो हम उसी ट्रेड को डबल क्वांटिटी के साथ करते हैं कि भाई अब आज ही हम पूरा अपना सारा पैसा निकालेंगे। एक जुनून छा जाता है कि नहीं आज ही निकालना है, ये करना है। दोस्तों ये बहुत ही गलत है। आप इस तरह से सोचिए कि ट्रेडिंग आपका एक डेली जॉब है, उस तरह से आप इसको लीजिए कि ये डेली का काम है। मुझे, मेरा एम होना चाहिए कि जो मेरा महीने का 22-21 ट्रेडिंग डे होता है उसमें से मुझे 70% ज़्यादा एक्यूरेट होना है, 70% इन प्रॉफिटेबल होना है। दोस्तों अगर आप ऐसे सोचेंगे, उसको एक अपने जॉब की तरह लेंगे कि भाई ये रोज़ 22 दिन का है, आज का केवल नहीं है, और ये रोज़ को मैं ऐसे करूँगा तो जाके एंड में मुझे जैसे सैलरी मिलती है किसी नॉर्मल जॉब पे, वैसे मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आपका डेली एक लिमिट है, 500 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं लूज़ करना है, उसको आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और कभी भी आपका अगर ये कवर होता है उस दिन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है, जब तक आप जिंदा है मार्केट उस दिन तक चलता रहेगा और आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि
अपना डेली लिमिट सेट कर लीजिए और उसके साथ ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। छोटे छोटे ट्रेड पे आप स्विंग ट्रेड, आप देख रहे हैं कि कोई स्पाइक आया तो सडनली आप बुक कर लिए, जरा से नीचे गया आप तुरंत तो उसको वो वापस उसको रिवर्स कर लिए, तो ये सब दोस्तों मत कीजिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल में लीजिए। अगर आपको बहुत टफ होता है करना तो आप एक टारगेट सेट कीजिए, एक स्टॉप लॉस सेट कीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। या तो वो टारगेट हिट करेगा या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, वरना आप उसको लास्ट में जो भी प्राइस होगा उस पर स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। लेकिन याद रखिए कि जो आप एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो आप एक प्लान से ले रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी से ले रहे हैं। अगर वो आपके टारगेट को नहीं हिट कर रहा है, यानी मतलब कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल नहीं है, आप उस पर बैक टेस्ट नहीं किए अच्छे से और उसको थ्योरी में आप करके नहीं देखे हैं, एक दिन चलता है, दो दिन चलता है, लेकिन हर बार अगर ऐसा हो रहा है तो यानी आपको अपने स्ट्रैटेजी को सुधारने की ज़रूरत है। और दोस्तों दूसरा बात है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो एक टाइम पे दो से ज़्यादा ट्रेडिंग पोजीशंस मत लीजिए। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? अगर आप दो से ज़्यादा पोजीशन लेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सपोज एक आपने तीन स्टॉक लिया, एक स्टॉक सडनली गिरने लगा, आपका पूरा माइंड उस पर फोकस हो गया, आप सोच रहे हैं इसको करें स्क्वायर ऑफ करें कि क्या करें, आपने मेंटल स्टॉप लॉस लगाया, आपने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं था उस केस में, तो अभी आपको लग रहा है करूँ कि रुकूँ, और तब तक दूसरा भी मार्केट सडनली टर्न लिया और दूसरा स्टॉक भी गिरने लगा, लेकिन आपको वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिरा, लेकिन आप उसको बुक नहीं कर पाए क्योंकि आप इसमें बिजी थे, क्योंकि आपने तीन चार पोजीशन ले रखी। तो दोस्तों ऐसा आप लिमिटेड पोजीशन लीजिए, एक बार मैक्सिमम दो लीजिए, प्रेफरेबल होगा कि आप एक बार एक ही लीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप दो भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अवॉइड कीजिए, ठीक है। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं उसमें स्मॉल क्वांटिटी के साथ अपने कंफर्ट जोन में रह के ट्रेड कीजिए। कभी नहीं कि 50 जा रहा है आप उसको 10 गुना लेवरेज करके 5 लाख कर लिए, फिर 5 लाख पे आपने शेयर खरीद लिया और जैसे ही एक रुपये भी नीचे गया तो आपको 50 लॉस हुआ 2000 का, लेकिन वो आपके ओरिजिनल जो 50000 का कैपिटल है उस पे वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया आपको। 2000 का लॉस 50000 पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज टर्म में होता है, तो ये आपका गलत चीज़ होना चाहिए। आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहिए, क्योंकि वो नीचे भी जाए तो आपका दिल नहीं धड़कने लगे। आप बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस ना लगा लीजिए कि एक ही रुपये, 600 रुपये के शेयर में आपने 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया, और ये तो गलत हो गया ना, कि उतना तो वॉलीटिलिटी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया आप छोटा क्वान्टिटी रखिए और अपने स्टॉप लॉस को अपने कंफर्ट के हिसाब से या जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रख के ट्रेड कीजिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो से वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये तो दोस्तों आपको मतलब कि सेकंड चीज़ है जो बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी क्या है दोस्तों, कि आप एक प्लान के साथ अगले दिन मार्केट में जाते हैं, ना कि आप जुआ खेलने जाते हैं वहाँ पे कि जो बढ़ेगा उसको हम ले लेंगे, जो गिरेगा बेच देंगे, जो किसी ने कह दिया वो कह दिया, वही कह दिया, किसी ने टिप दे दिया। दोस्तों अगर आप दूसरों के भरोसे या दूसरों के कॉल्स पे ट्रेड करते रहेंगे तो याद रखिए आप कभी पैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो एक ना एक दिन उसकी कॉल्स हो सकता है गलत जाए, या उसने सही बताया हो लेकिन आप उसको सही सुन ना पाए, आपने स्टॉप लॉस ना उसका ध्यान से दिया सुना हो, या कभी मार्केट रिवर्स टर्न लिया तो आप कुछ गलत ट्रेड ले लें, या जो उसने कहा प्रॉफिट वो आपने बुक नहीं किया, आप लालच में थे लेकिन फिर वो रिवर्स कर गया। तो दोस्तों ये सब अगर आप करेंगे तो हमेशा दूसरों पे डिपेंड होकर ट्रेड करेंगे तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये गारंटीड लिख के लीजिए। तो आज से ही शुरू कीजिए समझना, टेक्निकल एनालिसिस को पढ़िए, जो भी आप ट्रेड लीजिए आपको पता होना चाहिए, एक लॉजिक होनी चाहिए आपके ट्रेड में। हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपकी ट्रेड में एक लॉजिक होनी चाहिए। अगर आप पैसे को लूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि आप करेक्ट लॉजिक नहीं पुट कर रहे हैं, आपका स्ट्रैटेजी जो है उसको आपने प्रॉपर 2-3 महीने बैक टेस्ट करके पेपर ट्रेडिंग करके 80% एक्यूरेसी के साथ पेपर पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे स्ट्रैटेजी को अपने बैक टेस्ट किए हैं, उसको सक्सेसफुल 80% रेशियो, फिर आप मार्केट में जंप करते हैं रियल ट्रेड में, तो आपको वही चीज़ बिल्कुल मिलेगा, और क्योंकि वही चीज़ है केवल एक तरह से, ठीक है। यही चीज़ है। अगर आपका कंटिन्यूसली आपका ट्रेड्स में स्टॉप लॉस आ रहा है, आपको लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इस बात पे सोचने का बहुत ज़रूरी है कि आप राइट ट्रेड ले रहे हैं, क्या आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, क्या आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हैं, क्या आप मार्केट के डायनेमिक्स को समझ रहे हैं, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे अलग अलग इंडेक्स के साथ कैसे वो स्टॉक चेंज करता है, कैसे वो ग्लोबल इंडेक्स जैसे चेंज हो रहा है, क्या ये सब चीज़ आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये सब का आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। और कभी भी मैं आपसे पूछूं आपने क्यों ट्रेड लिया, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट लेवल पे था, आज ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक का भी लॉन्ग ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ से एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक
कर जाए। दोस्तों सारा जो इंट्राडे ट्रेड होता है कोई गारंटी ट्रेड नहीं होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। तो जो सेटअप को समझता है, उस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को जिसने समझ लिया, वो एक प्लान के साथ आया और वो प्लान में हाई चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। जो मार्केट की कंडीशन को या मार्केट को देख के ही केवल ट्रेड करता है और उसको आइडिया नहीं रहता है स्टॉक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस और इन सब का, वो काफ़ी टाइम पैसे लूज करता है। तो दोस्तों स्टॉक के टेक्निकल्स को समझने की कोशिश कीजिए, ओवरनाइट स्टडी कीजिए और उन स्टॉक्स में एक प्लान के साथ जाए कि भाई ये यहां से यहां जाएगा तो मैं लूंगा, ये यहां से यह जाएगा तो ये करूंगा। तो ये आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ अगर आप इंट्राडे में पैसे लूज़ कर रहे हैं, आप नहीं लूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए पेपर ट्रेडिंग के साथ। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी कहीं देखते हैं या कोई आपको कोई बताता है कि ऐसे करो, तो आप उसको पहले पेपर पे ट्रेड करके देखिए और देखिए कि आपका एक्यूरेसी कम से कम 70% हो, उससे ज़्यादा है तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग कीजिए एक महीने तक। मैं कितने वीडियोज़ कितने स्ट्रेटजीज डाला हूँ उनको देखिए, उनको समझिए, पेपर पे करके देखिए। और एक चीज़ जो हमेशा कहता रहता हूँ, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट गिर रहा है और आप लॉन्ग पे हैं और वो थोड़ा और नीचे गया, आपने और पोजीशन ले लिया, एवरेज कर लिया, तो फिर आप उसमें और बड़ा लॉस खा सकते हैं। तो अगेंस्ट ट्रेंड मत जाइए, अपना जो रनिंग प्रॉफिट है उसका हमेशा लॉक कीजिए दोस्तों। तो जैसे आपने कोई प्रॉफिटेबल पोजीशन ली, अब वो अपने टारगेट मान लीजिए कोई 600 पे स्टॉक लिया, अपने 610 टारगेट रखा, स्टॉप लॉस रखा अपने 596 का, ठीक है। अभी मान लीजिए वो 606 पे पहुंच गया, तो इस केस में आपको ये नहीं करना है कि आपका ये जो 6 रुपये एक टाइम पे प्रॉफिट था आप उसको जीरो लॉस कभी भी होने दे। तो आप अपने स्टॉप लॉस को तुरंत ट्रेल कीजिए, चेंज करके 596 को 600 पे रखिए, क्योंकि एटलीस्ट वो आपको नो कॉस्ट पे जाएगा, या 601 पे रखिए कम से कम कुछ दे के जाएगा वो ट्रेड। तो अपना जो आपका रनिंग प्रॉफिट है उसको किस तरह से लॉक करना चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल ही अपने करंट उसके प्राइस के पास मत डाल दीजिए अपना स्टॉप लॉस कि तुरंत ही ट्रिगर हो जाए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको लॉस में नहीं कन्वर्ट होने देना है। अगर एक बार प्रॉफिटेबल पोजीशन दिखा रहा है तो स्टॉप लॉस ऐसे चेंज करना है ताकि वो प्रॉफिट आपका एटलीस्ट लॉक रहे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बताऊंगा दोस्तों, मैंने आप जो कहा है कि आप अपना जो डेली लिमिट है उससे ज़्यादा पैसे लूज मत कीजिए। अगर आप उस डेली लिमिट को हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे और रेगुलरली ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे आप सीखेंगे, प्रॉफिटेबल पोजीशंस लेना सीखेंगे, आप देखेंगे कि 20 दिन का जब आप पूरा समरी निकाल लें तो आपको नेट प्रॉफिट होगा। एक दिन का 500 लॉस मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 70% टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे वो ज़्यादा मैटर करेगा। याद रखिए दोस्तों, डेली लिमिट हमेशा सेट कीजिए, उसको क्रॉस मत कीजिए। आपको लालच लगेगा, आपको काफ़ी लगेगा कि नहीं भाई मैं दूसरा ट्रेड करके पूरा निकालूंगा, इसके चक्कर में मत पड़िए। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी लोग के एक्सपीरियंस भी यही होता है, सबका एक्सपीरियंस यही है कि आप इस चक्कर में पड़िए, अपना डेली लिमिट सेट कीजिए, उससे ज़्यादा कभी लूज़ मत कीजिए। नेक्स्ट डे आइए नए स्ट्रेटजीज का, आइए नए प्लान के साथ आइए, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा, मार्केट लाइफ टाइम के लिए है और रोज़ आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पुराने वीडियोज़ को देखिए और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी आप नॉलेज गेन करें सबको बताइए और उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।